राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के तत्वाधान में भवन निर्माण मजदूर संघ जिला झज्जर के कार्यालय का उद्घाटन आचार्य रमेश द्वारा विधिवत रूप से हवन यज्ञ करा शुरू किया। इस अवसर पर भवन निर्माण मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष सरजीत गुलिया जहांगीरपुर सहित पूर्व चेयरमैन नरेश हसनपुर, वीरेंद्र अजय गुलिया जहांगीरपुर व भवन निर्माण मजदूर संघ की महिला शाखा अध्यक्षा मीनू चौहान लुहारी सहित मातनहेल ब्लॉक अध्यक्ष नरेश गवालीसन, झज्जर ब्लॉक अध्यक्ष खुशीराम किरढ़ोद, बादली ब्लॉक अध्यक्ष दयानंद खेड़ीजट व बहादुरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष राजकिरण गुलिया उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर लोहान ने इस अवसर पर भवन निर्माण मजदूर संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मजदूर एकता की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजदूर संघ प्रतिबद्ध है। वहीं जिला झज्जर भवन निर्माण मजदूर संघ के अध्यक्ष सरजीत गुलिया जहांगीरपुर ने भवन निर्माण मजदूर संघ की रचना व कार्यों की जानकारी समस्त पदाधिकारियों को देते हुए कहा कि मजदूरों के हकों की लड़ाई को पूर्ण संकल्प के साथ लड़ा जाएगा। कोशिश कराएंगे हम जितना भी हो सका है, अभी समाज के अंदर है, गांव के अंदर जो
जो छोटे छोटा मजदूर है उसकी हक का ऐसी कोशिश क्योंकि हमारा दर्द है इसका कम से कम भी 10-12 करोड़ रुपया जो है हर साल वापिस जा है इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि गांव में कुछ उनके गांव में क्योंकि असामाजिक तत्व तो पैसे की तरफ भाग रहे हैं वो कर रहे हैं कि गाँव में 5-5, 7-7 आदमी बैठते हैं पर्ची काटने और वो फार्म भरते हैं मतलब उनका कोई भी महत्व नहीं है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमने अपना दे दिया इसमें जो पूरे हरियाणा का हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लगवा दिया और कोशिश करा हम आप है और चेयरमैन है इस तरह के आदमियों से जो इस तरह की